नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। आज हम इस वीडियो में आपको ले चलेंगे हमीरपुर जेल, जहां रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बहनों ने अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधी। यह दृश्य भावनाओं से भरा हुआ था। जहां एक ओर बहनों की आंखों में अपने भाइयों के प्रति प्रेम और ममता थी, वहीं दूसरी ओर भाइयों ने भी अपनी बहनों से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार किया। हमीरपुर जेल में रक्षाबंधन का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक बहनों ने जेल में प्रवेश की अनुमति ली, ताकि वे अपने भाइयों को राखी बांध सके। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। केवल राखी, मिठाई और फल ले जाने की अनुमति थी। टीका या पूजा सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध था। बहनों ने इस पावन अवसर पर अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधी और उनकी सुरक्षा का वचन लिया। कई बहनें अन्य जिलों से भी यहां आई थी, जिन्होंने अपने भाइयों से मिलकर राखी बांधी और अपनी भावनाएं व्यक्त की। बहन प्रिया ने बताया कि आज के समय में जहां हर कोई असुरक्षित महसूस कर रहा है, उनके भाई की सुरक्षा का वचन सबसे बड़ा तोहफा है। जेल प्रशासन ने इस अवसर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। ठंडे पानी, धूप से बचाव के लिए टेंट और बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था की गई। यह सुनिश्चित किया गया कि सभी लोग बिना किसी परेशानी के त्योहार मना सकें। हमीरपुर जेल में रक्षाबंधन के इस उत्सव से जेल का वातावरण भी उल्लासित देखने को मिला। बहनों और भाइयों के बीच इस भावुक मिलन ने यह साबित कर दिया कि रिश्तों की मजबूती जेल की दीवारों से बढ़कर होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल यूपी ताजा न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे अन्य वीडियो से भी जुड़ सकें।